मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6। आज हम आपको पढ़ाएंगे व्याकरण। व्याकरण में अभी आपको पता है कि अभी आपको कुछ बेसिक सिखाया जा रहा है जिससे आपकी हिंदी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो पहले भी आपने क्लास में पढ़ा होगा वचन या नंबर के विषय में, जैसा कि इसका नाम ही है वचन या नंबर, जिससे किसी भी चीज़ की संख्या का ज्ञान होता है। तो हमने यहाँ पर टॉपिक भी आपका डाला है वचन या नंबर। तो आपने देखा होगा कि आप एक वचन और बहुवचन, ठीक है, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वचन होते क्या है। जैसा हमने बताया कि इससे संख्या का ज्ञान होता है। सबसे पहले देखिए वचन क्या होते हैं। वचन संज्ञा या संख्या का यहाँ पर बोध होता है।
देखिए, धारण, जैसे हमने यहाँ लड़का लिखा था, लड़के का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़का का, लड़के। पंखा था, पंखे। केला का बहुवचन केले। देखा आपने कि हमने यहाँ पर एकवचन और बहुवचन पढ़े हैं, उनके किस प्रकार से एकवचन और बहुवचन को हमने समझा है कि कैसे इसको बदला जाता है। अब वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है, जिससे हम आसानी से वचन परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन। कैसे हम वचन परिवर्तन करेंगे आसानी से? जैसे नंबर एक, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में करना है।
धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।